जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल क्लास 1 से क्लास 31 तक आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। जो भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ें आपकी चल रही हैं, ठीक है। आज हमारी भूगोल की क्लास 32 होने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल एंड ऑल एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थानीय पवनें, विंड्स, ठीक है। इंग्लिश में पवनों को क्या बोलते हैं? विंड्स। अब देखो, दूसरा पढ़ेंगे ज्वालामुखी। क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी। तीसरा पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। आज के हमारे ये पॉइंट होने वाले हैं। उम्मीद करूंगी कि आप भी क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, और जो भी भाई बहन चैनल पे एकदम नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे दबा लेंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन उनके पास टाइम टू टाइम पे जाते रहे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। तो साथियों, सेशन आपका स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे पवनों के बारे में, विंड्स के बारे में, ठीक है। तो पवन के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, वायु को इंग्लिश में बोलते हैं एयर, है ना। और आपकी जो पवन है उसको इंग्लिश में बोलते हैं विंड्स। चलो ठीक है, इंग्लिश लिख दी मैंने। अब वायु क्या होती है? वायु वह होती है जिसमें गति नहीं होती, स्पीड नहीं होती, समझ गए ना। वायु में आपकी स्पीड नहीं होती और ना ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। और जो आपकी पवन होती है ना, उसमें स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। अब कोई आपसे पूछे कि बताइए किसमें स्पीड होती है और किसमें नहीं होती, तो वायु में स्पीड नहीं होती, पवन में स्पीड होती है। ये अपनी दिशा भी देखती है और ये अपनी गति भी देखती है। पवन गति भी देखती है, पवन दिशा भी देखती है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं पवन की परिभाषा। गतिमान वायु को पवन कहते हैं। अभी पढ़ा है ना कि स्पीड भी है, दिशा भी है, तो यहाँ डेफिनेशन भी ऐसे ही बन गई। गतिमान वायु को क्या बोलेंगे? पवन। अब हम पढ़ेंगे पवनों के प्रकार, कि आपकी जो पवन है वो कितने प्रकार की हैं। पवन तीन प्रकार की हैं। कौन कौन सी? स्थानीय पवन है, मौसमी पवन है, ध्रुवीय पवन है, ठीक है। समझ गए अच्छी तरीके से, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। जैसा कि साथियों मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि आपकी जो पवने हैं वो तीन प्रकार की हैं। सबसे पहली पवन है आपकी स्थानीय पवन, है ना। अब स्थानीय पवन की डेफिनेशन क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये जो पवने हैं ये वर्ष भर में एक ही दिशा में चलती हैं, इसकी अलग कोई डायरेक्शन नहीं होती, एक ही दिशा में चलती हैं, पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलती हैं। कौन सी पवने? स्थानीय पवने, परमानेंटली विंड्स, ओके। समझ गए, स्थानीय पवने वर्ष भर में एक ही दिशा में चलती हैं। अब आपको देखना है स्थानीय पवने कितने प्रकार की होती हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। स्थानीय पवने भी आपकी तीन प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी? नंबर एक व्यापारिक पवने, नंबर दो पछुआ पवने, नंबर तीन ध्रुवीय पवने। इनको भी अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यापारिक पवने। इसकी डेफिनेशन क्या है? यह पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, समझ गए। उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं, ठीक है। अगला देखो, पछुआ पवन है। इसी में पढ़ रहे हैं हम स्थानीय पवनों में। व्यापारिक पवन है पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे पछुआ पवन है। पछुआ पवन है, इसकी डेफिनेशन है, यह पवन है दोनों गोलार्द्र, यह पवन है दोनों गोलार्द्र। ये देखो, यहाँ पे उपोष्ण उच्च वायुदाब से चल रही थी, भूमध्य रेखीय
निम्न वायुदाब की ओर, और यहाँ बोल दिया है दोनों गोलार्द्रों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। कौन सी पवन है? पछुआ पवन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है। 40 डिग्री अक्षांश को क्या बोला जाता है? गरजता चालीसा। 40 डिग्री अक्षांश को बोला जाता है गरजता चालीसा। 50 डिग्री अक्षांश को बोला जाता है प्रचंड पचासा या भयंकर पचासा। 50 डिग्री अक्षांश को बोला जाता है प्रचंड पचासा या भयंकर पचासा। 60 डिग्री अक्षांश को बोला जाता है चीखता साड़ा, चीखता साड़ा, ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, तीसरी पवन हम पढ़ेंगे ध्रुवीय पवन। इनको हम स्थानीय पवनों के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्रुवीय पवनों को ठंडी पवने भी कहते हैं। यह पवने दोनों गोलार्द्र में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताइए आपकी जो ध्रुवीय पवने हैं उनको क्या कहते हैं, तो आप बताओगे इनको ठंडी पवने कहते हैं। दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा कि बताइए कौन सी पवने हैं जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं, तो आप बताओगे ठंडी पवने या ध्रुवीय पवने, ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट है स्थानीय पवनों में, स्थानीय पवने दो तरह से चलती हैं। दो तरह से, कौन कौन सी तरह से चलती हैं? एक तो गर्म पवनों के रूप में चलती हैं, इनको हम शुष्क पवने भी कहते हैं इंग्लिश में हॉट विंड्स, और दूसरी ठंडी पवनों के रूप में चलती हैं कोल्ड विंड्स। स्थानीय पवने आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गर्म पवने, किन किन स्थानों पर आपकी गर्म पवने चलती हैं ये हमको पता होना चाहिए। पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, कैसे पूछा जाता है वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। गर्म पवनों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिनुक पवनों के बारे में। चिनुक पवने यूएसए और कनाडा में चलती हैं। चिनुक पवने यूएसए और कनाडा में चलती हैं। इन दोनों की राजधानी आप बताओगे, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है और कनाडा की राजधानी किस नदी के किनारे है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। इन दोनों की मुद्रा बताओगे आप। अब देखो रॉकी पर्वत में चलती हैं, सॉरी रॉकी पर्वत से चलती हैं। रॉकी पर्वत से कौन सी पवने चलती हैं? तो ये चिनुक पवने चलती हैं, ठीक है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कल की क्लास में लिखाया था, बता देना। और देखो चिनुक पवनों को हिबक्षी कहते हैं, इंग्लिश में स्नो वेदर, ओके। अब हम पढ़ेंगे गर्म पवनों में हरवट्टन पवने, ये अफ्रीका में चलती हैं। हरवट्टन पवने आपकी अफ्रीका में चलती हैं, सहारा मरुस्थल से अटलांटिक महासागर की ओर चलने वाली पवने हैं हरवट्टन पवने, जो अफ्रीका में चलती हैं। अफ्रीका की जो जनजाति हैं आपको बतानी है, अफ्रीका में कितने देश हैं, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है, और भारत में कितनी राजधानियां हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और विश्व में कितने देश हैं, आपको ये भी बताना है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं गर्म पवनों में ही हमको इतनी सारी पवने पढ़नी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर की है आपकी खाम शिम पवने, ये कहाँ पर चलती हैं, ये अफ्रीका में चलती हैं। खाम शिम पवने कहाँ चलती हैं, अफ्रीका में, ठीक है। अगली है फौन पवने, आपने सुनी भी होंगी अच्छी तरीके से, फौन पवने ये फ्रांस और स्पेन में चलती हैं। इन दोनों की राजधानी बताओगे और इनकी जो राजधानी है किस नदी के किनारे बसी हुई है ये भी आप मुझे बताओगे। फ्रांस और स्पेन की मुद्रा क्या है, इन दोनों की संसद का नाम क्या है, ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न है आपका सिरोको पवने कहाँ चलती हैं, देखो इटली में चलती हैं। कहाँ चलती हैं, इटली में। और एक कंडीशन और देखनी है आपको, इटली में इसको ब्लड रेन बोला जाता है। ब्लड रेन क्यों बोला जाता है ये भी आपको बता देती हूँ। धूल भरी हवा चलने से आँखों से खून निकलता है, इस वजह से इटली में बोला जाता है ब्लड रेन, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे लू पवनें, जो कि अपने भारत में चलती हैं, सबको पता है भारत और पाकिस्तान में चलती हैं आपकी लू पवनें। इटली की राजधानी आपको बतानी है, मुद्रा बतानी है, संसद बतानी है। भारत और पाकिस्तान की राजधानी, मुद्रा, संसद, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत में संविधान सभा कब अपनाया गया, ये भी आपको बताना है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, बिक फील्डर पवनें, गर्म पवनें हैं ये सारी, 9 तक आपकी जो आपको दिख रही है ना, ये गर्म पवनें ही चल रही हैं। बिक फील्डर पवनें, ये गर्म पवनें ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हैं, चलने वाली पवनें हैं बिक फील्डर पवनें। सिमुक पवनें अरब मरुस्थल में चलती हैं, जोंडा पवनें अर्जेंटीना में चलती हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, संसद क्या है, आपको मुझे बताना है। गर्म पवनें तो पूरी पढ़ ली, अब ठंडी पवनें भी तो पढ़नी है, है ना। गर्म हवा तो आपने चला ली, ठंडी हवाएं भी तो चलानी है। तो देखो, ठंडी पवनें इनको पढ़ने से पहले, जो भी भाई बहन चैनल पर एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आपका चल रहा है सफलता बैच, ये सफलता बैच के अंतर्गत ही पढ़ाया जा रहा है आपको। और जियोग्राफी की ज़्यादा क्लास नहीं है, अब सिर्फ 2 से 3 क्लास में आपकी जियोग्राफी हो जाएगी फिनिश, 2 से 3 क्लास में आपकी जियोग्राफी फिनिश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्लास हो सकती हैं, 1 से 2, और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाए तो 2 से 3, 4 नहीं होंगी। ठीक है, फिर जो भी आपके जैसे जियोग्राफी में कुछ रह जाएगा तो उसको मैराथन क्लास के माध्यम से कवर कराऊंगी, मैराथन क्लास के माध्यम से कवर हो जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन आपको लेनी नहीं है, मैं पूरा कोर्स ख़त्म कराने की कोशिश में हूँ। ठीक है, जियोग्राफी ख़त्म हो जाएगी, फिजिक्स भी पढ़ानी है आपको, फिजिक्स चल ही रही है मिशन वर्दी चैनल पर, और आपकी स्टैटिक चल ही रही है, स्टैटिक आधी से ज़्यादा हो गई है, फिजिक्स की 2 क्लास हो गई हैं, ज्योग्राफी 2-3 क्लास में ख़त्म ही हो जाएगी, समझ गए ना। और देखो, फिर स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, पॉलिटी यूपी जीके, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जीके पूरी फिनिश हो गई है, 1 से लेकर 40 तक क्लास आपकी हो चुकी हैं, 1 क्लास आनी है, क्लास 41, तो उसको लेके ज़्यादा टेंशन में मत आइएगा कि क्लास 41 दीदी प्लीज़ करा दीजिए, मैं करा दूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, 1 से लेकर 40 तक आप कवर कीजिए, आपका 98% कवर हो जाएगा, यहाँ से 2% आपका क्लास 41 से कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना मिशन वर्दी चैनल आपको करा चुका है। और देखिए, मैथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही ज्योग्राफी ख़त्म होती है मैथ को मैं स्टार्ट कर दूंगी, रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, हिंदी चली रही है, आधी से ज़्यादा आपकी हिंदी हो चुकी है, आधी से ज़्यादा हो चुकी है हिंदी। ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ लेते हैं स्थानीय पवनों के बारे में। तो सबसे पहली पवन है आपकी मिस्ट्रल पवन, मिस्ट्रल पवनें कहाँ चलती हैं, ये स्पेन और फ्रांस में चलती हैं, ठंडी पवनें हैं ये चारों, 1 से 4 तक जो पॉइंट लिखे हैं ना, ठंडी पवनों में हैं। देखो, आप ये मत सोचा करो कि हम गर्मी में पढ़ रहे हैं, सर्दी में पढ़ रहे हैं, आपको पता है ना कि मुझे कितना पसीना आ रहा है, बार बार पहुंच रही हूँ, इतना पसीना आ रहा है कि थोड़ा सा पढ़ाऊँगी ना तो इधर तक पूरा पसीने में भीग जाऊँगी मैं। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि गर्मी है या सर्दी है, सिलेक्शन के लिए कुछ दिन पढ़ लीजिए, फिर तो आराम से रहना ही है, फिर आपके ऊपर है कि आप आगे की पढ़ाई करते हो नहीं करते। लेकिन जब तक आपकी जॉब नहीं लग रही एक जॉब के लिए, तो आपको परमानेंटली पढ़ना ही पड़ेगा। और आप ये मत देखिए गर्मी है सर्दी है, ठीक है, कुछ सिचुएशनों में अपने आप को ढालना सीखिए। मैंने कभी नहीं बोला आपसे कि गर्मी है तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी। भाई, अगर आज ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दूँगी तो कुछ लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग निंदा भी करेंगे, निंदा वो करेंगे जिन्हें मैं मतलब ये सोच के पढ़ाऊंगी कि गर्मी है भाई मैं नहीं पढ़ा रही, बस एसी लग जाए तब पढ़ाऊंगी आराम से। तो भाई, मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, मुझे गर्मी सर्दी नहीं देखनी, मुझे आपका सिलेक्शन कराना है हमारे चैनल मिशन वर्दी चैनल से। ठीक है, समझ गए ना। तो आप भी पूरी कोशिश कीजिए कि आपको पढ़ना है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जॉब के बाद अच्छी खासी 20-30 हज़ार की
फर्स्ट क्लास एसी लगवा लेना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बस ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे बोरा पवने। बोरा पवने आपकी इटली में चलती हैं, ठंडी पवने हैं, ठीक है। ब्लिजर्ड पवने यूएसए और कनाडा में चलने वाली पवने हैं। चौथी आपकी बुरान पवने हैं, जो कि साइबेरिया में चलती हैं, रूस के साइबेरिया में। साथियों, आपका पवन टॉपिक पूरा फिनिश हो गया है, अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन जितना भी है इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने दिमाग में रखना है। जितना भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, ज्वालामुखी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्केनो। क्या बोलते हैं? वॉल्केनो। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पृथ्वी की सतह पर ये जो आपको दिख रही है, ये पृथ्वी है, इसका सेंटर है, मुख्य है, ये है ना, क्रेटर है पृथ्वी की सतह पर, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर छेद या दरार, अब जैसे ये छेद हो रहे हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, अभी बताते हैं। पृथ्वी की सतह पर छेद या दरार, छेद या दरार, जिसके साथ गर्म लावा, गर्म लावा में क्या क्या वो भी आपको बताऊंगी, गैस व राख, है ना। जब कोई चीज़ जैसे कि फटने वाली होती है, तो पहले गैस बनती है, फिर उसके बाद ही तो फटती है, समझ गए ना। तो ऐसे ही यहाँ से ये मैग्मा है, अब जब ये यहाँ पृथ्वी की सतह पर जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर ये इस तरीके से फट जाता है पृथ्वी की सतह पर। तो देख लो, पृथ्वी की सतह पर छेद या दरार, और छेद और दरार से ये चीज़ें निकलती हैं, जिसके साथ गर्म लावा, गैस व राख बाहर निकलता है, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये मैग्मा है, क्या ये मैग्मा, समझ गए। और मतलब यहाँ से ये ऐसे ऐसे आता है, जब फट जाता है तो गैस निकलती हैं और राख निकलती है, समझ गए। अब हम पढ़ लेते हैं ये कंडीशन क्या है, H2O, जल वाली कंडीशन। अब देखो, मैं आपको बता देती हूँ, जब हम घर पे पानी गर्म करते हैं, गैस पर पानी गर्म करते हैं, और जैसे किसी भगोनी टाइप में गर्म करते हैं पानी, उसको ढक देते हैं, जब हम उस प्लेट को उठाते हैं तो भाप निकलती है ना, भाप निकलती है, और वो जो भाप है, अगर उस भाप से थोड़ा भी हाथ लग जाता है तो बहुत भयंकर तरीके से हमारा हाथ जल जाता है। एक कंडीशन में अगर थोड़ा हाथ आपका आग से लग जाएगा, थोड़ा, तो इतना आप नहीं जलोगे, और भाप में आप थोड़ा सा रख लो हाथ, आपका हाथ बहुत बुरी तरीके से जलने लगता है। तो यहाँ देख लो कि जल में जो जल बाष्प होता है, वही गर्म पानी वाली कंडीशन, तो कितने प्रतिशत निकलता है भाप, 80-90%, जो कि सर्वाधिक निकलता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना लेना, जिससे हमारे दिमाग में ये चीज़ें अच्छी तरीके से रहती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ओके। हवाई द्वीप आपके USA में है, कहाँ पर है, USA में, अमेरिका में, और यहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी है, किलमू ज्वालामुखी, ये भी USA में है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी रहने वाला आपका कौन सा ज्वालामुखी है, किलमू ज्वालामुखी, जो USA में है। दूसरा पढ़ेंगे एकांकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी। विश्व का सबसे ऊंचा मृत व शांत ज्वालामुखी कौन सा है, एकांकागुआ, जो आपके अर्जेंटीना देश में है। जैसा कि आप पूरा लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये पूरी आपकी ज्वालामुखी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पढ़नी है, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको पूछूंगी, और आपको मुझे कमेंट सेशन में आंसर भी करने हैं, ओके। तो देख लो, ओजोन डेल सलाडो ज्वालामुखी, ये चिली और अर्जेंटीना में है, दो देशों में, चिली और अर्जेंटीना में। इन दोनों की राजधानी बतानी है, मुद्राएँ बतानी है, संसद बतानी है, ठीक है। चलो, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजोन डेल सलाडो ज्वालामुखी, ठीक, समझ गए। सबसे ऊंचा पूछा जाए
तो ओजोन डेल सलाडो ज्वालामुखी है जो चिली और अर्जेंटीना में है। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर है, ये इक्वेडोर में है। कहाँ पर है? इक्वेडोर में। अगला देखो, सेंट हेलेंस ज्वालामुखी, ये यूएसए में है। सेंट हेलेंस ज्वालामुखी कहाँ पर है? यूएसए में। माउंट विशुबियस ज्वालामुखी इटली में, इटली की मुद्रा, इटली की राजधानी, इटली की संसद आपको बतानी है, ठीक है। अगला देखिए, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है, सिसली द्वीप पर है। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो आप बताओगे सिसली द्वीप पर है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि फालतू चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बुक में बहुत लिखा हुआ है। अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप उसको भी एक बार पढ़ के देखिए, और आप एक बार मेरी क्लास को लेके देखिए, फिर आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और एक बार आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, उनको लगा के देखिए, तब आपको पता लगेगा कि ये क्लास कितनी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला पढ़ना है स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी, है ना, ये भूमध्य सागर में है, लिपारी छिप पर है, लिपारी छिप पर है, ठीक है। स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है, जापान की संसद, जापान की राजधानी, जापान की मुद्रा क्या है, ठीक है, समझ गए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, भारत के दो ज्वालामुखी नारकोडम और बैरन सक्रिय ज्वालामुखी, ये दोनों आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप में हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, भारत के ज्वालामुखी हैं, पूछ लिए जाते हैं बताइए बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं, दोनों सक्रिय हैं, ठीक है। दोनों कैसे ज्वालामुखी हैं? सक्रिय ज्वालामुखी है। अब नोट पॉइंट में आप देख लीजिए, विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है, कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। अगला पॉइंट है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस किस से है? इसका संबंध ज्वालामुखी से है और भूकंप से है, ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों आपका ज्वालामुखी चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, अब हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। उम्मीद है कि आपको स्थानीय पवनें और ज्वालामुखी बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी, आज की क्लासेस आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था, अब हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। भारत के भौगोलिक विभाजन को 6 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में? 6 भागों में। 6 भाग कौन कौन से हैं देख लीजिए, पहला है उत्तर के मैदान, दूसरा है पहला उत्तर के पर्वत, दूसरा उत्तर के मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, छठवा है द्वीपों का समूह। भारत के भौगोलिक विभाजन को 6 भागों में बांटा गया है, ये कंडीशन है, पर्वत मैदान पठार मरुस्थल मैदान तटीय मैदान और उत्तर के मैदान और द्वीपों का समूह, ये कंडीशन समझ गए। अब आप देख लीजिए भारत का क्षेत्रफल, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, ये आपको मुझे कमेंट सेशन के माध्यम से बताना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब देखो भारत में मैदानों का विस्तार कितने प्रतिशत है, 43.5% है। भारत में पठारों का विस्तार 27.5% है। भारत में पहाड़ों का विस्तार 18.5% है। भारत में पर्वत का विस्तार 10.5% है। इनको अपने दिमाग में रखना क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। साथियों भारत का भौगोलिक विभाजन आज इतना ही पढ़ते हैं,
कल की क्लास में इसको पूरा फिनिश करेंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होना। साथियों आज रात 9 बजे जो भी क्लास 32 में आपको पढ़ाया गया है वही आपसे पूछा जाएगा। सभी भाई बहन क्लास 32 को पढ़ के आएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।